इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। अपने आसपास के कस्बों से घिरा हुआ ये जो ऊंचा मंदिर दिखाई दे रहा है, लगता है कि किसी परियों की कहानी से निकला हुआ है। 19वीं शताब्दी के आरंभ में एक स्थानीय जमींदार राजा नृसिंह देव राय ने इसे बनवाया था। इसके निर्माण में विभिन्न प्रभाव देखे जा सकते हैं। कोलकाता से 60 किलोमीटर दूर बैंडेल और त्रिवेणी के बीच हुगली नदी के किनारे ये एक अद्भुत मंदिर है जो हंसेश्वरी देवी को समर्पित है। माना जाता है कि इस देवी में शिव और शक्ति दोनों की संयुक्त ताकत है। कहानी कुछ इस तरह है कि 200 साल पहले स्थानीय जमींदार राजा नृसिंह देव राय जब वाराणसी में थे, तब उनके सपने में देवी प्रकट हुई थी। उसी के बाद उन्होंने उस मंदिर के निर्माण का फैसला किया था। कहा जाता है कि राजा नृसिंह देव राय इतने उत्साह में आ गए थे कि वो खुद पत्थरों के लिए मशहूर बनारस के करीब चुनार गए। मंदिर निर्माण का सारा सामान वहीं से खरीदा और उसे बांसबेरिया पहुंचवाया। कारीगर भी वहीं के बुलवाए गए थे। मंदिर निर्माण का काम सन 1801 में आरंभ हुआ, लेकिन उसमें तुरंत ही रुकावट पैदा हो गई। राजा नृसिंह देव राय के निधन की वजह से मंदिर निर्माण कार्य रुक गया। उसके बाद उनकी पत्नी रानी शंकरी देवी ने मंदिर का निर्माण पूरा करवाया और सन 1814 में ये पूरा तैयार हो गया। तांत्रिक विचारधारा से प्रभावित होने के कारण इस मंदिर की शिल्पकारी बिल्कुल अलग तरह की है। ये 5 मंजिला भवन है जो मनुष्य के शरीर और आध्यात्मिक जागरूकता को परिभाषित करता है। मंदिर के कुल 13 मीनार हैं, जो कमल की कलियों की तरह बनाए गए हैं। गर्भगृह में मुख्य मूर्ति योगासन की मुद्रा में है और वह नीले रंग में पूती हुई है। हंसेश्वरी मंदिर के दाएं तरफ भगवान कृष्ण को समर्पित अनंता वासुदेवा मंदिर भी है। ये मंदिर हंसेश्वरी मंदिर से पहले का बना हुआ है और ये बंगाल की टेराकोटा मंदिर शिल्पकारी की बेहतरीन मिसाल है। ये पारंपरिक एक रत्न डिजाइन में बनाया गया है जिसमें घुमावदार कंगूरे बने होते हैं। टेराकोटा डिजाइन में रामायण, महाभारत और कृष्ण लीला की कहानियां बयां की गई है। जहाँ मंदिर बना हुआ है उस बांसबेरिया शहर का भी अपना खास महत्व है। ये प्राचीन बंदरगाह सप्तग्राम के प्रमुख नगरों में से एक रहा है। सप्तग्राम या सतगाम किसी जमाने में महत्वपूर्ण बंदरगाह हुआ करता था। ये मध्य युग और प्राचीन युग में दक्षिण बंगाल का प्रमुख शहर था और कई बार राजधानी भी रह चुका था। एक छोर पर नवद्वीप, बैंडेल और चंद्रनगर के कस्बों के करीब हुगली नदी के साथ लगा ये क्षेत्र राजनीतिक सत्ता का केंद्र होने के साथ ही व्यापार का भी बड़ा केंद्र हुआ करता था। इसीलिए 18वीं शताब्दी में यूरोप के व्यापारी इसकी तरफ आकर्षित हुए थे। उपजाऊ जमीन और व्यापारिक गतिविधियों ने इलाके के जमींदारों को काफी दौलतमंद बना दिया था। इस वजह से वो ऐसे मंदिरों को संरक्षित करने के लिए सक्षम पाए गए। हंसेश्वरी और अनंता वासुदेवा, ये दोनों मंदिर साथ साथ खड़े हैं। हालांकि दोनों अलग अलग अंदाज में बने हुए हैं, लेकिन दोनों के प्रति लोगों की आस्था कम नहीं। इस मंदिर परिसर के सामने ही जमींदारों का महल है, लेकिन वो बहुत बुरी हालत में है। हंसेश्वरी मंदिर को देखने हर साल हजारों पर्यटक आते हैं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण उसकी बढ़िया देखभाल भी कर रहा है।